3, 2, 1. तो हेलो गाइस, इन दिस चैनल मेन इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड विद आशीष, जैसा नेम है तो हर एक चीज़ विद आशीष के साथ यानी मेरे साथ होता है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे हम लोग का हर एक वीडियो ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग का तो हर एक वीडियो ही इम्पोर्टेंट होता है। और मैं कहीं जा रहा था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की हैं, इसमें से मोस्ट ऑफ द फ़ोटोज़ में तो मैं अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी भी मैंने डाल दिया है। तो मैं जहाँ गया था वहाँ की ये कुछ इमेजेस हैं, तो अगर आप इन्हें देख के हंसी भी आती है या आपको अच्छा भी लगता है तो आप प्लीज़ इसे इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो ऐसे ही तो आज तो मैं भी शहर ही में रहता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी जगह नहीं है, तो इतना पोल्यूशन होता है। और मेरे घर के पास ही में फैक्ट्री है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, हम सभी को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। और जिसके घर के पास फैक्ट्री हो तो उसे तो कितना होता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, लेकिन मेरे आसपास बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे, मेरे खुद ही घर के पास इतने सारे पेड़ हैं। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे इतने अच्छे हवा आती है ना, नेचुरल वो भी। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पर थोड़े दूर और जाने पर जहाँ पे मेरे तो घर के सामने फैक्ट्री है, अगर आप इसके अपोजिट साइड जाएंगे तो एक भी पेड़ भी नहीं, और बहुत ही आपको ब्रीथ भी नहीं होगा, सांस ही नहीं ले आ जाएगा। तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक आपको, और पेड़ लगाने के लिए आपको जो बेसिक मटेरियल्स चाहिए सो भी बहुत बेसिक हैं। जो एक तो हम लोगों के अर्थ पे लगभग, मैं अपने बस ओनली मैं जितना सोचता हूँ, एक दिन में कई ट्रिलियन से भी ज़्यादा वेस्ट होता है इन बॉटल्स के वजह से, ओनली प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तो वैसे भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसका मेरे माइंड में आइडिया आया कि पेड़ ही लगा देते हैं, डिसॉल्व तो होगा नहीं, मिट्टी तो कितने दिनों सालों तक ये रख पाएगा। तो मैंने एक लगाया जो ये आप देख सकते हैं। तो मैं जो जिसमें एक ऐसे ही तो मैंने एक लगाया, उसके बाद मुझे आइडिया आया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैंने शुरू में दिखाया था एक नाइफ़ से बॉटल को कट करते हुए, तो मैं ऐसे ही मैं बॉटल्स को, कई सारे बॉटल्स को कट करता हूँ, जो भी मेरे घर में वेस्ट बच जाता है। तो उन वेस्ट सब से मैं पेड़ लगाता हूँ, और उन पेड़ सब से अच्छी ऑक्सीजन भी आती है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होता है। तो ऐसे ही बहुत अच्छे पेड़ उगते हैं। तो ऐसे इस पेड़ में जो है, तो ये पेड़ आप देख सकते हैं, जो एक साइड का तो मैंने दिखा दिया है, दूसरे साइड का ये है। तो इधर साइड से तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये तो बड़ा पेड़ हो गया, इसके एक साइड में बहुत छोटा भी है इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना छोटा है, लेकिन कितना अच्छे से उग रहा है ये सभी। तो ऐसे ही कितने सारे पौधे होंगे मेरे पास, तो मैंने कुछ निकाल के भी दिखा दिए हैं। और जैसे जो कुछ छोटे पौधे होते हैं तो उन वो तो ऐसे में लग गए, और जो बड़े होते हैं जिन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए उन्हें अगर आप छोटे में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, उसके लिए चाहिए आपको बड़ा स्पेस। तो एक छोटा सा गमला भी आप ख़रीद सकते हैं। तो पापा लाए थे शुरू में, इसी में हम पौधे लगाया करते थे, लेकिन बहुत सारे पौधे सूख भी गए। तो उसके बाद मैंने इसमें एक गुलाब का पौधा लगाया, उसके बाद ये अभी तक नहीं सूखा है। तो ऐसे ही इसमें कितने सारे होंगे। तो ऐसे हम लोग का इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब एंड होता है। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और यू गेट नोटिफिकेशन, आई गेट सब्सक्राइबर्स, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। ऐसे ही कितने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर वाइज अपलोड होते हैं इस चैनल पे, ऐसा चैनल दिखेगा बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा चैनल।